नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सीएम योगी ने हैदराबादी भाईजान ओवैसी को चेतावनी दी है। सीएए को लेकर यूपी में शाहीन बाग बनाने की धमकी देने वाले ओवैसी को कानपुर में सीएम योगी ने करारा जवाब दिया और कहा कि सरकार ऐसे लोगों से निपटना जानती है। भड़काऊ भाईजान के जहर पर योगी का एंटीडॉट। ये मर्ज का इलाज हमारे पास है, ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज ना समाजवादी पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास है। उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। शाहीन बाग की धमकी, योगी की चेतावनी। तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। यूपी के महादंगल में योगी राग राष्ट्रवाद। व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। योगी के गढ़ में योगी को चुनौती देने निकले हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने सीएए के नाम पर अपनी जहरीली सियासत का पहला गियर लगाया ही था कि सीएम योगी की नजर इस गियर पर पड़ गई और हैदराबादी भाईजान की जहरीली जुबान और शाहीन बाग की धमकी वाली तान पर सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है। प्रदेश में 2017 के पहले और तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। बाराबंकी में ओवैसी आए और चले भले गए, लेकिन कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के बाद सीएए को लेकर भी वो मुसलमानों को भड़काने वाले बीज रोप गए। खूब जहर उगला, हाथ लहराकर, मुट्ठियां भींचकर यूपी की करीब 20% मुस्लिम आबादी को सम्मोहित करने के लिए ओवैसी ने सीएए वापस नहीं लेने पर यूपी में शाहीन बाग बना देने की धमकी तक दी। अब योगी ने ओवैसी को उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया है। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। चाचा जान और अब्बा जान से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी कानपुर के दौरे पर थे और बाबा नामदेव गुरुद्वारे में अरदास में हिस्सा लिया। यूपी में योगी और बीजेपी का एजेंडा साफ है, राष्ट्रवाद और विकास। इसी लाइन पर बीजेपी यूपी के महादंगल को कस रही है। खासतौर से योगी के राष्ट्रवाद में प्राथमिकता बुनियादी विकास पर तो है ही, इसके साथ ही सांस्कृतिक गौरव, धार्मिक पर्यटन और हिंदुत्व की लाइन पर भी फोकस है, जिस पर बीजेपी और योगी दोनों ही युवाओं को साधने की कोशिश में लगे हैं। पिछले दिनों कैराना में योगी ने पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी थी और दंगा जीवियों को सख्त चेतावनी भी। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसके आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। ओवैसी का जहर जितना चढ़ेगा बीजेपी को महादंगल में ध्रुवीकरण का फायदा मिलेगा, ये तय है। रही बात ओवैसी की परफॉर्मेंस की, तो पिछली बार के चुनाव में उनकी उपलब्धि सिवाय अपने उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराने के और कुछ भी नहीं रही। इस बार ओवैसी के तीखे अंदाज पर योगी ने उन्हें बखूबी चेता दिया है कि ये यूपी है और यहाँ योगी का राज है।
हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है, अब दंगा नहीं दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मोदी के राष्ट्रवाद का विजन यूपी में विकास के साथ ही धर्म के गठजोड़ के साथ चल रहा है। ये वो लकीर है जिससे पार पाना फिलहाल विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जातिवादी सियासत के सारे गणित विकास, धर्म और राष्ट्र के किलेबंदी के सामने ढहते दिख रहे हैं। बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, एक ही परिवार की आरती, वही घंटी बजाओ और कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित हैं। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास। यूपी का दुर्ग अहम है, ये इसलिए भी है क्योंकि 2022 की जय या पराजय किसी भी पार्टी के लिए 2024 की महाजंग की प्रस्तावना लिखेगी। वहीं बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव योगी फैक्टर का पहला टेस्ट है। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की जंग में भावना और विकास की दोहरी चाल युवा वोटर को अपनी ओर खींचने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए भाषा भी वैसी है, शैली भी, और शत्रु भी वैसे ही चुने जा रहे हैं जहां से संदेश दूर तक जाए। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, इतना ही नहीं है, बीजेपी के पास अयोध्या की पूंजी है, राम मंदिर निर्माण का श्रेय है, विकास के एक्सप्रेसवे हैं, फिर भी इन सबसे ऊपर यूपी चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा अहम क्यों होता जा रहा है, आइए इसको समझने की और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, योगी का राग राष्ट्रवाद क्या है, दरअसल ये समझाने की कोशिश करते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए। जाति समीकरण टूटेंगे, इससे ये विश्वास बनता है कि जो जाति समीकरण अभी तक उत्तर प्रदेश में बने हुए थे वो टूटेंगे और कोर वोटर के अलावा नए वोटर पार्टी के साथ जुड़ते जाएंगे, खास करके युवा जुड़ेंगे, जो किसी भी जाति के हों वो आकर्षित होंगे जो पार्टी की विचारधारा है, रूढ़िवाद के बजाय मॉडर्न, लोगों की सोच जो है रूढ़िवाद के बजाय मॉडर्न है, ये तुष्टिकरण की सियासत फेल होगी, ये भी यकीन है पार्टी को। और अब बात कांग्रेस पार्टी की, जो एक कदम आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि चार कदम उसे पीछे आना पड़ता है। कांग्रेस को बैकफुट पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं उनके नेताओं के बयान। अभी सलमान खुर्शीद वाले हिंदुत्व के चैप्टर पर कांग्रेस सफाई देते देते हाँफी रही थी कि एक और सीनियर लीडर मनीष तिवारी की किताब ने कांग्रेस की फजीहत का नया अध्याय खोल दिया। मनीष तिवारी ने 26/11 आतंकी हमले पर मनमोहन सरकार की आलोचना की है। अब बताइए, कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनाव की रणनीति बनाएं या डेंट पर पेंट लगाने की। चुनावी सीजन में कांग्रेस में दूसरा किताबी बम फूटा तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। इस बार मुद्दा हिंदुत्व नहीं बल्कि मुंबई में हुआ 26/11 का आतंकी हमला है और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कटघरे में खड़ा किया है खुद अपनी ही मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार को। मनीष तिवारी ने इल्जाम लगाने में कोई भी मुरव्वत नहीं की है, इल्जाम है राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने का। इस किताबी बम की टाइमिंग ने एक बार फिर कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ा दी है, वो भी तब जब यूपी से लेकर पंजाब तक कांग्रेस चुनावी कसरत कर रही है। बीजेपी धर्म, विकास और राष्ट्रवाद के बिसात पर विरोधियों को पटखनी देने की विक्ट्री प्लान पर अमल कर रही है। ऐसे वक्त में तब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब ने बड़ा धमाका कर दिया और इस धमाके की जद में कांग्रेस आ गई। मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 Flash Points 20 Years में लिखा है कि 26/11 हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी थी। किसी देश को अगर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने में कोई अफसोस नहीं है तो ऐसे में संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। 26/11 मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि भारत को उस समय तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो क्या मनीष तिवारी का हमला यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के बहाने कांग्रेस के टॉप नेतृत्व पर है?
हालांकि मनीष तिवारी का कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाना पहली दफा नहीं है, वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। मनीष तिवारी की किताब सामने आने के बाद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। उधर इस विवाद के बाद एके एंटनी सोनिया गांधी से भी मिलने गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस मनीष तिवारी पर कोई एक्शन लेगी। उधर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। उस वक्त जो कांग्रेस के लोग थे, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो 26/11 इतनी बड़ी घटना हुई और उस वक्त जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए था वो एक्शन नहीं दिखा था। चलिए, मनीष जी ने सही बात कही है, देर आए दुरुस्त आए। रायता हर तरफ फैला हुआ है। एक तरफ नेतृत्व पर सवाल, उस पर बिखरती पार्टी, एक के बाद एक नेता हाथ छोड़ रहे हैं। इस बार कीर्ति आजाद ने कांग्रेस को झटका दिया है। खबर यह है कि कीर्ति टीएमसी में जा सकते हैं। कीर्ति का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान और मनीष तिवारी का यह धमाका ममता सोनिया की मुलाकात से पहले हुआ, वो भी तब जब केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के लिए सारे विपक्षी दलों को दीदी इकट्ठा करने में जुटी है। पूरन में हमारे साथ लोकसभा में थे, उनको पिताजी भगवत जी आजाद बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ज्वाइन करने से तो अच्छा ही है। अजीब लगता है कि इतना दिन बाद उन्होंने होश में आए हैं 2021 में। इतने दिन बाद उनको होश में आने का ये देख के मुझे बड़ी अजीब लग रहा है। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस में घमासान हो चुका है। इस बीच कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उधर G23 ग्रुप लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाकर कांग्रेस की कमजोरी को सामने लाता रहा है। स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5-स्टार में पहले बुक हो गया। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं, मैंने संगठन के हित में बात कही है। और अब चुनावी सीजन में एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस में ये डबल धमाका है। पहले सलमान खुर्शीद की किताब ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई, अब मनीष तिवारी ने दूसरा धमाका कर दिया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के बाकी बचे नेता क्या कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नाकामियों का ये ठीकरा कांग्रेस को अखर रहा है। पार्टी के कुछ नेता तिवारी की किताब की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। पार्टी को यूपी और पंजाब चुनाव में नुकसान होने का डर सताने लगा है। मनीष तिवारी पंजाब से आते हैं और पहले ही अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई की वजह से राज्य में पार्टी का काफी नुकसान हो चुका है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने की तोहमत से कांग्रेस चुनावी चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, लीडरशिप के घोर संकट को झेलती देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस का हाल कैसे वक्त के साथ खराब होता चला गया, आइए ये आपको दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस का हाल खराब हुआ। लोकसभा चुनावों के पिछले 3 टर्म की तस्वीर आइए अब आपको दिखाते हैं। 2009 कांग्रेस के पास 206 सीटें थी, ये देखिए, मतलब 28.6% वोट थे कांग्रेस पार्टी के पास। ये जो आप हमने जिक्र किया 2009 का किया, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति 2014 में क्या हो गई, 44 सीटें महज रह गई और जो वोट परसेंट था वो घटकर 19.5% हुआ। फिर उसके बाद चुनाव आए 2019 लोकसभा चुनावों के, 52 सीटें आ गई और वोट परसेंट 19.7% का रहा। तो यानी मामूली सा बदलाव उसमें हुआ जो कि ना के बराबर ही था। तो ये स्थिति कैसे खराब हो रही है, कमजोर लीडरशिप और राज्यों के भीतर आपसी सिर्फ उठावल ने कांग्रेस को राज्यों में भी कमजोर कर दिया, कैसे? आज सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, राजस्थान की बात करें और इसके अलावा पंजाब की बात करें, यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है, उसका दायरा छोटा होता जा रहा है। हालांकि कुछ और राज्य थे जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, मसलन की मध्य प्रदेश में, लेकिन सरकार कांग्रेस के नेताओं की खींचतान की वजह से कांग्रेस पार्टी ने गंवा दी, सत्ता हाथ से चली गई। लेकिन अभी भी बवाल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के बीच तलवारें खिंची हुई रहती हैं। राजस्थान में भी हमने देखा, राजस्थान और पंजाब के भीतर भी कांग्रेस की गुटबंदी का हाल सबको पता है, किसी से भी छिपा नहीं है। हाँ, कुछ राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में सत्ता में जरूर है और वो राज्य कौन से है जरा ये फटाफट से आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में, यहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। तो ये
कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं और कैसे ये बुरे दिन खुद के नेताओं की वजह से आए, ये हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया और ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। यूपी में इस बार कांग्रेस पार्टी प्रयोग कर रही है, हालांकि प्रयोग उसने पिछली बार भी किया था जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस चारों खाने चित गिरी और अखिलेश की भी सत्ता हाथ से निकल गई। इस बार अभी तक तो यूपी में कांग्रेस के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। प्रयोग के नाम पर कांग्रेस ने प्रियंका के चेहरे पर दाव खेला है और प्रियंका ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने का कार्ड भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से फेंका गया है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के बयान और किताबी तूफान दोनों कांग्रेस की नैया मझधार में फंसाने पर आमादा हैं। ना अब जय श्री राम के नारों से परहेज है, न पूजा पाठ से दूरी। सीजन चुनाव का है, लिहाजा चुनावी वैतरणी पार करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ जोर लोक लुभावन नारों पर भी है। इस चुनावी वैतरणी से पार उतरने के लिए प्रियंका खुद लोक लुभावन राजनीति का जुआ खेल रही है। पिछले 1-1.5 महीने में लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगाकर प्रियंका ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर 40% महिला उम्मीदवार लड़ाने की घोषणा के साथ ही इसकी शुरुआत की। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण प्रावधानों के तहत 40% नौकरी देने का वायदा किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। चौथी घोषणा लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की और 5वीं घोषणा नागरिकों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की। लेकिन इन घोषणाओं के बारे में आम मतदाताओं और चुनाव विश्लेषकों की राय यही है कि ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी, मतलब न तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और न ही इन हवा हवाई घोषणाओं को पूरा करने की नौबत आएगी। ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका गांधी इस हकीकत से अनजान है। फिर सवाल उठता है कि वो ये सियासी जुआ आखिर खेल क्यों रही। प्रियंका गांधी की इन घोषणाओं से एक सवाल ये भी उठता है कि उनकी पार्टी ये घोषणाएं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या मणिपुर जैसे दूसरे चुनावी राज्यों में क्यों नहीं कर रही है। और इसी रिपोर्ट के साथ 2022 का महादंगल में अभी के लिए इतना है।